हैप्पी मकर संक्रांति एवरीवन, आई एम विंदेश्वरी एंड वेलकम टू कुकिंग गार्डियंस। ज्यादातर घरों में मकर संक्रांति पे खिचड़ी तो बनती ही है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। लेकिन बहुत सारे लोग खिचड़ी को बहुत ही बोरिंग और बीमारों का खाना समझते हैं, स्पेशली वो मदर्स जिनके बच्चों की तो भूखी गायब हो जाती है खिचड़ी का नाम सुन के। तो मेरी आज उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस खिचड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ट्रस्ट मी ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उड़द की दाल की खिचड़ी और उसके साथ बथुए के रायते की रेसिपी। तो पहले हम उड़द की दाल की खिचड़ी बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अगर आप घी के फैन हैं तो आप इसे घी में बनाइए, उसमें ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरा भुन जाए तो उसमें हम 2 लौंग और 3 काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 1 पिंच हींग डालेंगे और 1 तेज़पत्ता डालेंगे। मेरे पास ये फ्रेश है, आप नॉर्मल ड्राई वाला भी ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप तेल में खड़े मसाले डालें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि खड़े मसाले तेल में चटकते हैं। अब इसमें बड़ी इलायची डालेंगे और भून लेंगे अच्छे से। एक बार ये भून जाए तो हम इसमें अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह इन दोनों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और भून लेंगे अच्छे से। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप उसे टोटली स्किप कर सकते हैं। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उसे हल्का सा स्वेट कर लेना है। अब इसमें 1 कप कटी हुई गोभी डालें और भून लें अच्छे से। गोभी को हम मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें 1 कप मटर डालेंगे और दोनों को सेम फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लेंगे। दोनों को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें 1 कप पालक ऐड करेंगे। पालक से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पालक डालने के बाद हम इसे 2 से 2.5 मिनट तक सेम फ्लेम पे भून लेंगे। बेसिकली हमें इसे इतना भूनना है कि पालक से जो पानी रिलीज हुआ है वो थोड़ा सूख जाए। इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें स्वाद अनुसार हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इससे जब हमने तड़का लगाया था उस टाइम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 कप कटा हुआ टमाटर डालें और उसे भी अच्छे से भून लें। एक बार टमाटर अच्छे से गल जाए तो हम इसमें 1/4 कप उड़द की दाल ऐड करेंगे, जिसे हमने धो के 2 घंटे के लिए सोक करके रख लिया था। अगर आप इसमें डायरेक्टली दाल को ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में आप दाल को धो के तेल में भून लें और फिर सब्जियां ऐड करें स्टेप बाय स्टेप। दाल डालने के बाद हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। अब हम इसमें 1 कप चावल ऐड करेंगे, जिसे हमने धो के 10 मिनट के लिए सोक कर लिया है। चावल हमने यहाँ पे बासमती यूज़ करें, आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। चावलों को आप बहुत जेंटली मिक्स करें, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मिक्स कर दें इसको अच्छे से। अब हम इसमें जितना हमारा दाल चावल है उसके 1.5 गुना पानी डालेंगे। तो मैंने 1 कप चावल लिया था और 1/4 कप दाल ली थी, तो मैं यहाँ पे 2 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी लगने तक पकाना है, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बथुए का रायता बना लेंगे। बथुए का रायता बनाने के लिए हमें पहले बथुए को बॉयल करना है, तो उसके लिए हमने ये धो के बथुआ ले लिया है और इसे हम एक बर्तन में डाल देंगे और उसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। बथुए को उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 5 से 7 मिनट में अच्छे से पक जाता है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं। बथुए को चेक कर लें, बथुआ हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसे ठंडा करके इसकी एक प्यूरे बना लें। अब एक बोल में 500 ग्राम दही लेंगे, इसमें ये बथुआ डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे और टेस्ट के हिसाब से ही हम इसमें काला नमक डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें 2 तरीके का नमक यूज़ किया है, सफ़ेद और काला, तो हमने दोनों नमक को 50-50 डिवाइड करके लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करें। अब हम रायते के लिए तड़का बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक पैन में घी गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद हम उसमें राई ऐड कर देंगे, 1/2 पिंच हींग ऐड कर देंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और 1 लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। सबको अच्छे से पका लेंगे।
अब गैस बंद करके हम ये तड़का ठंडा होने के बाद रायते में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो तड़के में लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप डाल रहे हैं तो गैस बंद करने के बाद ही आप लाल मिर्च पाउडर डालें, नहीं तो मिर्च बहुत जल्दी जलने लगती है। अब तड़के को अच्छे से रायते में मिक्स कर देंगे। रायता हमारा बनके तैयार है, तो अब खिचड़ी को चेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर खोलने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि उसकी जो स्टीम है वो अच्छे से निकल गई हो, तभी आप प्रेशर कुकर को खोलें। खिचड़ी एकदम परफेक्ट पक गई है, एकदम खिली खिली बनी है। अब हम इसे एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप इसे बहुत जेंटली मिक्स करें, क्योंकि चावल अभी गर्म है तो वो टूट सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो गई है खिचड़ी, तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। आई होप आप ये दोनों रेसिपीज जरूर ट्राई करेंगे, और जब भी आप ये दोनों रेसिपीज ट्राई करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। अगर आपको बथुआ ना मिले तो आप अपने पसंद के किसी भी रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।